विश्व महिला दिवस पर आज बीजेपी के युवा नेता पांडुरंग आमले ने विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां तमाम महिलाओं को उनके उल्लेखनीय कार्य एवं प्रगति के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर प्रियंका पाटिल ने महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहन दिया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले ने आज सानपाड़ा प्रभाग 30 में विश्व महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर प्रियंका पाटिल ने यहां महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रबोधन किया। इस अवसर पर कई महिलाओं को उनके उल्लेखनीय कार्य एवं प्रगति के लिए सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारी प्रियंका पाटिल ने महिलाओं के लिए खास तौर पर कार्यक्रम आयोजित करने पर युवा नेता पांडुरंग आमले की सराहना की। साई भक्त महिला फाउंडेशन सानपाड़ा यांनी जे महिला दिनानिमित्त कार्यक्रमाचं आयोजन केलं व त्यामध्ये महिला सक्षमीकरण या विषयावर सर्वांनी जी आपली मतं मांडली त्याबद्दल साईभक्त महिला फाउंडेशन यांनी महिलांना जे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं त्याबद्दल त्यांचे शतशः आभार। वही प्रभाग 30 के युवा समाजसेवी पांडुरंग आमले ने महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को महिलाओं का मनोबल बढ़ाने का जरिया बताया। उन्होंने पुलिस अधिकारी प्रियंका पाटिल के प्रति भी आभार जताया। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। महिला दिनानिमित्त साई भक्त महिला फाउंडेशन आयोजित महिला दिन हा कार्यक्रम सर्व महिलांनी आयोजित केला होता। काही महिलांचा आम्ही इथे सत्कार केला, तसेच बऱ्याचशा महिलांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी आम्ही मदत जाहीर केली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।